हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे A1 ग्राफिक ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। और फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि बेस्ड होगा ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर। तो इस वीडियो में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में। मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, बिकॉज आपको ग्राफिक डिज़ाइन का जो इमारत तैयार होगी इसके लिए ये वीडियो एक नींव की तरह काम करेगा। जैसा कि मेरा कहने का मतलब है कि ये वीडियो एक बेस प्रोवाइड करेगा आपके लिए, जिसके माध्यम से आप ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको एक वीडियो सॉन्ग के लिए मैं एक पोस्टर के बारे में बताना चाहूँगा। इस पोस्टर के डिटेल्स फिलहाल देखिए, अभी आपको सामने जो यहाँ शो कर रहा है, इस प्रकार से पोस्टर कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं वीडियो सॉन्ग के, उसके बारे में आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक और इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इस पोस्टर को आप एल्बम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब के लिए थंबनेल इस प्रकार से बना सकते हैं, और बहुत काफ़ी चीज़ें के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये सारी टेक्निक्स मैं आपको इसके वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यहाँ शेयर करूँगा। वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल के लिए देखिए यहाँ पर फाइल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको न्यू, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो आपको न्यू दिख रहा है यहाँ प्रेस करना है। और इसमें देखिए कई ऑप्शन है, इसमें से हमें देखिए, मैं पहले प्रीसेट के बारे में यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आपसे। जो फर्स्ट आप यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफॉल्ट फ़ोटो साइज, उसके बाद में यूएस पेपर, इंटरनेशनल फ़ोटो, ये सब साइज है, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इसके बाद में वेब है, मोबाइल एंड डिवाइस या फिल्म एंड वीडियो, आपको फ़िलहाल के लिए ट्रायल के लिए हम पोस्टर बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फिल्म और वीडियो छोटी साइज में यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और फिलहाल के लिए मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ ओके प्रेस किया। अब देखिए वो सेम साइज़ आपने जो देखा दूसरे फाइल में, क्योंकि मेरा यहाँ पर तैयार एक पोस्टर है वही सेम साइज़ यहाँ पर आपको सामने दिख रही है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो पोस्टर बनाए कैसे है उसके बारे में आपको बताऊँगा। इसमें देखिए फर्स्ट यहाँ पर देखिए मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार किया है। इसके लिए बैकग्राउंड के बारे में आपको पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि पहले से देखिए बैकग्राउंड तो यहाँ पर मैंने स्टोर कर रखा है मेरे स्टोरेज फाइल में, पहले से यहाँ पर सेव है, तो वो पहले मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने उस फाइल को मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है, मैं इसको ओपन किया। अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा। देखिए ड्रैग करने का मैं आपको यहाँ से दूसरा जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ से आपको शिफ्ट करने का एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए माउस को इस प्रकार से होल्ड करना है और जो अभी आप नया फाइल बना रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर ला के इसे छोड़ देना है इस प्रकार से, और इसको हम रिसाइज करेंगे यहाँ पर। उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे और स्क्रॉल से इसको जूम माइनस करते हुए इसकी साइज को रिसाइज करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको, और एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप रिसाइज कर रहे होंगे कोई भी फाइल को, उसके लिए आपको शिफ्ट आपको प्रेस करना अनिवार्य है,
शिफ्ट प्रेस करने से एक फ़ायदा ये होगा कि साइज जो भी आप रिसाइज कर रहे होंगे तो प्रोपोर्शनेट आपको यहाँ पर साइज मिल जाती है इस प्रकार से। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर लिया, उसके बाद में देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा जो कि मैंने पहले के पोस्टर में मैंने आपको पहले ही दिखाया है किस प्रकार से मैं आपको आज के लिए ये भी आप बना सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारा जो आज का ट्यूटोरियल है हमारा इसी के ऊपर हम बना रहे हैं और इसको हम थोड़ा सा ओपेसिटी यहाँ पर थोड़ा डाउन करेंगे, हल्का सा यहाँ डाउन करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको कुछ और इफेक्ट लाना चाहते हैं तो इस प्रकार से ऐसा आप दे सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो मैंने फ़ोटो यहाँ पर सेट किए हुए हैं उसको मैं यहाँ सेट करूँगा, या अगर आप चाहते हैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए जो मेरे पास स्टोरेज है, जो मेरे क्रॉप किए हुए फ़ोटो हैं, मैं उसके ही बारे में आपको बताऊँगा और वीडियो से फ़ोटोज़ को कैसे कलेक्ट करते हैं उसके बारे में मैं आने वाले ट्यूटोरियल में आपको कवर करूँगा वो सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल के लिए मैं ओपन करूँगा जो मैंने यहाँ पर मैंने क्रॉप किए हुए फ़ोटो है जिस पर कि मैं पहले काम कर चुका हूँ, वही फ़ोटोज़ के बारे में आज मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए कुछ फिलहाल इसको मैंने बैकग्राउंड में एकदम रखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इसकी साइज़ को थोड़ी हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पर हल्का कर देंगे जो कि बैकग्राउंड में छुप जाना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। देखिए यहाँ पर इसको मैंने छुपा दिया, अब इसके ऊपर से हम दूसरे मैटर्स को यहाँ पर सेट करेंगे। अब दूसरा फ़ोटो है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, दूसरा एक फ़ोटो देखिए ये है, इसको मैं यहाँ सेट करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कलर इसका थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, तो यहाँ हम इसके कलर को एडजस्ट करेंगे, थोड़ा फ़ोटो को थोड़ा हम साफ करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आपने इमेज पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में जाना है, यहाँ पर देखिए लेबल है, ये लेबल ऑप्शन यहाँ पे अल्ट प्रेस करते हुए इसको हल्का सा आगे पुश करना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा आपको, इस प्रकार से इसको भी थोड़ा मिडल में रखना है और वापस से शिफ्ट प्रेस करते हुए जब तक कि इसमें लकीर नहीं आ जाती तब तक आपको प्रेस करना है। देखिए इतना चेंज यहाँ पर आ गया है। अब हमें यहाँ पर दूसरा एक और यहाँ पर एडजस्ट करना है, यहाँ पर ब्राइटनेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर सेम यहाँ पर ये कर्व ऑप्शन है, इसमें आपको इस प्रकार से देखिए ये जो लकीर दिख रही है इसको ऐसा ड्रैग करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर पहले के मुकाबले अभी ये फ़ोटो काफ़ी हद तक ये चेंज हो चुका है।
अब इसको अगर हम चाहें तो इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन से भी इसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैंने डिजॉल्व ऑप्शन ये सिलेक्ट किया। यहाँ पे कई ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए ये अगर मैं करता हूँ तो ये बैकग्राउंड में छुप जाता है एकदम से, और ये काफ़ी हद तक अच्छा भी लग रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा। दूसरा हमारा यहाँ पर दूसरा मैटर है, देखिए दूसरा फोटो ये है। इस फोटो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, इसको वापस से मैं ओपन करूँगा। मेरे स्टोरेज फाइल मैंने सेव किया वहाँ से, देखिए इसको मैंने ओपन किया। इससे मैंने इसको रिसाइज किया और यहाँ इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये जो आपको थोड़ा सा लकीर सा लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए इरेज टूल के इस्तेमाल से यहाँ से थोड़ा आप स्मूथ कर सकते हैं इसको इस प्रकार से, जैसे कि इससे लगेगा कि ये आपका इमेज पूरी तरह से बैकग्राउंड में मर्ज किया हुआ है, ऐसा लगना चाहिए। अब इसको मैं इतना करने के बाद इसको रिसाइज करूँगा। और यहाँ से देखिए फिलहाल के लिए हमें थोड़ा सा इसमें और कुछ इफेक्ट इसमें करना है, तो इस फोटो को वापस से मैं यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा इफेक्ट दूंगा। यहाँ पर देखिए इसके कलर को हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर देंगे, इससे थोड़ा सा गेटअप आएगा आपके डिज़ाइन में। और ये जो हमने बैकग्राउंड में इसको सेट किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आगे पुश करूँगा। अब देखिए इसमें और इसमें काफ़ी थोड़ी सिमिलरिटी काफ़ी मैच हो रही है। अब यहाँ पर जो मैटर कंटेंट है उस कंटेंट को मैं यहाँ पर ये कंटेंट है इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा। फ्रेंड्स इसके बारे में इसमें जो आप इफेक्ट देख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। फिलहाल मैं यहां से कंटेंट को खाली मैं कॉपी करूंगा और सभी इफेक्ट को मैं यहां से हटा दूंगा।
अभी आपने जो देखा यहाँ पर जो इफेक्ट दिख रहा था आपको, मैं अभी तो यहाँ से सभी हटा दिया है, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा इफेक्ट इसमें लाते कैसे हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ये जो हमारा कंटेंट है यहाँ पर, इसको पहले तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इसका जो नाम है वो नाम यहाँ पे देना है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको ग्रेडियंट एंड ओवरले यहाँ पर आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ ओके प्रेस करना है और यहाँ जो इफेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक वो इफेक्ट आपको यहाँ शो करने लगेगा। उसके बाद में देखिए ये जो कंटेंट है इसको मैं यहाँ सेट करूँगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, ये बॉर्डर को इसको कैसे देखते हैं इफेक्ट इसको मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यू लेयर लेना है आपको, न्यू लेयर के लिए देखिए यहाँ पे यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आप देख रहे होंगे फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है तो रेक्टेंगल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल इस प्रकार से आपको एक ड्रैग कर लेना है और चाहे तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं इफेक्ट डायरेक्ट, बट फिलहाल के लिए आपको अल्ट प्रेस करना और बैक स्पेस तो इसमें कलर इस प्रकार से शो करने लगेगा। तो फिलहाल के लिए तो आपको देखिए यहाँ पे इतने सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से आपको इसको सेलेक्ट करना है, तो देखिए ये इफेक्ट यहाँ पे दिखने लगा है आपको। अब देखिए ये फोटो आपका जो है इसको जो अभी आपने लेयर लिया उसके डाउन में दिख रहा है तो इस फोटो को आपको ऊपर रखना है, तो यहाँ आपको इस प्रकार से क्लिक करना है और इसको ऊपर की तरफ रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक और यहाँ पे एक और लेयर लेना है आपको और यहाँ पर मैंने पहले रेक्टेंगल लिया, इस बार इलिप्सी मैं सेलेक्ट करूँगा इस प्रकार से इलिप्सी शिफ्ट के माध्यम से शिफ्ट प्रेस करते हुए और इसको भी मैं अल्ट बैक स्पेस के माध्यम से यहाँ पर कलर दूँगा। अब मैं यहाँ पर जो सिंगर है वो सिंगर का फ़ोटो मैं यहाँ सेट करूँगा, इसको मैं वापस से ड्रैग करके जो हम अभी काम कर रहे हैं उसके ऊपर मैं सेट करूँगा, यहाँ पर इसकी साइज़ को रिसाइज हम करेंगे यहाँ पर कंट्रोल टी के माध्यम से। और फिलहाल देखिए अभी इनका एंगल अभी आपको चेंज लग रहा होगा राइट साइड, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है क्लिप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इस फोटो को इस सर्कल के अंदर एक पूरी तरह से एकदम मर्ज करना है तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इसको मास्क करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर सेट हो जाता है।
बाहर आप कहीं भी उसको ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, खाली वो सर्कल के अंदर होगा तो ही मिलेगा। जहाँ सर्कल के अंदर आप उसको अगर देखना चाहेंगे तो देख पाएंगे, अन्यथा वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसको मैंने क्लिपिंग मास्क किया था। अब यहाँ पर मैं दूसरा एक कंटेंट और ऐड करूँगा। देखिए यहाँ पर जो सिंगर का नाम लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ ऐड करूँगा। देखिए फिर ये मैटर जो है इसको मैं यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो दूसरा यहाँ से हमारा डुप्लीकेट हो जाता है। अब इसको मैं यहाँ से नाम दूँगा फिलहाल के लिए, तो मैं इसके कलर को मैं इसको ब्लैक रखूँगा। फिर देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर इसको आपको देखने में थोड़ी यहाँ पर दिक्कत आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा स्ट्रोक अगर आप देते हैं तो ये भी डार्क बैकग्राउंड में दिखना ईजी होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ हम स्ट्रोक देंगे, स्ट्रोक को थोड़ा हम यहाँ पर से साइज एडजस्ट करना है जो कि आपके हिसाब से अच्छा लगे, आप इतना साइज आपको एडजस्ट करना है। और इसको हम थोड़ा सा नीचे इस प्रकार से प्रेस करेंगे, उसके बाद में सेम इफेक्ट देखिए इसमें भी हमने दिया हुआ है जो कि हाइट कर रखा है, तो यहाँ पर इसको भी मैं एडजस्ट करूँगा। यहाँ से साइज एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन में आपको हमेशा सेलेक्ट करना होता है, तो स्ट्रोक में यहाँ पर देखिए साइज जितना आप देंगे उतना साइज आपको यहाँ पर बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा जितना कम करना चाहे कम हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, देखिए अभी ये जो सर्कल आपको दिख रहा है सर्कल में यहाँ पर मैं एक स्ट्रोक दूँगा, स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से चेंज करूँगा, इसका कलर मैं फ़िलहाल के लिए रेड कलर रखूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रोक दिखने लगेगा। यहाँ पर स्ट्रोक देने से देखिए इसमें थोड़ा सा गेटअप आ जाता है हमारे डिजाइन में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर
यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और वहाँ कॉपी पेस्ट करने हैं उनको यहाँ पर। इसको भी मैं थोड़ा इफेक्ट दूंगा क्योंकि सामने डार्क बैकग्राउंड होने की वजह से यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा स्ट्रोक अगर देते हैं तो ये भी आपको दिखने में थोड़ा आसानी होगी। इसको भी मैंने स्ट्रोक दे दिया है तो अभी ये भी दिखने लगा, और इसके साइज़ को हम उसके साइज के मैचिंग में रखेंगे। फ़िलहाल के लिए देखिए इसकी साइज़ है 16 है, तो इसको मैं रखूँगा 24 रखूँगा। और यहाँ से कंट्रोल टी के इस्तेमाल से इसकी साइज़ को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से वीडियो के लिए आप पोस्टर्स बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा डिस्क्रिप्शन में। नई वीडियो, नई क्लास, नए ट्यूटोरियल में तब तक हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई क्लास, नए ट्यूटोरियल में। तब तक देखते रहिए हमारा ऑनलाइन A1 ग्राफिक्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। हाँ हेलो, मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए। अभी तो यार मैं बना रहा था, अपना ट्यूटोरियल बना रहा था, इसलिए कॉल नहीं अटेंड कर पाया आपका। सॉरी फॉर दैट।
अपना ट्यूटोरियल बना रहा था यूट्यूब के लिए, इसके लिए आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाया। और बताइए क्या कर रही हो, कहाँ पे हो? ओहो कौन कौन है साथ में? कहाँ जाए? कहाँ जा रहे हो शॉपिंग करने? से बहस करने लगे। चलिए ओके बाय बाय।